तो फाइनली हमारा निमकी बनके रेडी हो चुकी है। बस एकदम सारा निमकी हमने बना लिया है, तो दिखाते हैं आप लोगों को कैसा बनी है और कितना कुरकुरा बनी है और ठीक से बनी है कि नहीं, तो आप लोगों को दिखाएंगे तोड़ के। चलिए थोड़ा तोड़ के आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए हमारा निमकी कितना खस्ता और कितना सुंदर बनी है, कुरकुरा भी मस्त बनी है। तो ये रेसिपी बनाना, ये निमकी बनाना आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया ज़रूर लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन करें। हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। फिलहाल अभी हो रहा है सुबह को 9:30। तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बनाएंगे निमकी बनाएंगे, तो हमारा घर में बनेगा निमकी। तो नमकीन सा निमकी तो कैसे बनता है, तो दिखाएंगे आप लोगों को। चलिए शुरू करते हैं बनाना निमकी। निमकी बनाने के लिए हमने तकरीबन आधा किलो मैदा लिया है, और साथ में डालते हैं नमक। नमक के साथ हमने डाला है तेल, जो 100 ग्राम के आसपास होगा। आधा किलो मैदा में 100 ग्राम के आसपास आप लोग तेल देना पड़ेगा। तो तेल देने का फ़ायदा ये है कि ज़्यादा खस्ता बनाने के लिए हम लोग तेल यूज़ करते हैं। साथ में डाला काला जीरा। निमकी में काला जीरा डालने से फ्लेवर मस्त आता है और खाने को भी बढ़िया लगता है और देखने को भी अच्छा लगता है। सारे चीज़ डालने के बाद उसे अच्छे तरह से दोनों हाथों से मिलाएंगे, क्योंकि जितना अच्छा मिलाओगे, जितना अच्छा रब बनाओगे, तो उतना अच्छा खस्ता बनेगा। तो इसलिए तो भाभी ने दोनों हाथ से मिलाना शुरू कर दिया है एकदम खस्ता बनाने के लिए। एकदम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो इसे गूंदना है, एकदम आटा जैसे गूंदते हैं, तो इस तरह गूंदना है। और आटा का जैसे मतलब डो बनाते हैं ना, इस तरह का बनाना है। तो गूंदना शुरू कर दिया है भाभी ने। निमकी बनाने के लिए हमने डो बना लिया है, बस अब बनाते हैं गुला। तो साथ में तो बेलना भी शुरू करते हैं। चलिए थोड़ा देखते हैं कैसे बनाते हैं भाभी, कैसे बनाता है निमकी। एकदम जब निमकी जो बनाओगे, तो जो मैदा का पाउडर होता है ना, वो मैदा में डाल के वो बनाना। कभी तेल मत यूज़ करना, नहीं तो वो नहीं फूलेगा और अंदर का कच्चा रह जाएगा। तो इसलिए मैदा का पाउडर के साथ उसे बेलना है। चलिए शुरू करते हैं बेलना।
फाइनली हमारा निमकी बेल के रेडी हो चुकी है, बस अभी छानना है तेल में। तो चलिए छानना शुरू करते हैं। निमकी को हम छानेंगे मीडियम से लो फ्लेम में छानेंगे, क्योंकि अगर हाई फ्लेम में छानेंगे तो वो ऊपर से एकदम जल जाएगा और अंदर का कच्चा ही कच्चा रह जाएगा। तो फाइनली हमारा निमकी बन के रेडी हो चुकी है, बस एकदम सारा निमकी हमने बना लिया है। तो दिखाते हैं आप लोगों को कैसा बनी है और कितना कुरकुरा बनी है और ठीक से बनी है कि नहीं, तो आप लोगों को दिखाएंगे तोड़ के। चलिए थोड़ा तोड़ के आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए हमारा निमकी कितना खस्ता और कितना सुंदर बनी है, कुरकुरा भी मस्त बनी है। तो ये रेसिपी बनाना, ये निमकी बनाना आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए ज़रूर लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और नोटिफिकेशन करें। ऐसे ही अच्छा अच्छा रेसिपी आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो आप मिस नहीं कर पाओगे। देखिए फिलहाल हमारा निमकी बन के रेडी हो चुकी है, चलिए खाते हैं। सारा लोग घर में बैठे हैं अभी, तो सब लोग मिल के खाएंगे और देखते हैं कितना कुरकुरा था। आप लोगों को दिखा दिया, एकदम मस्त खास्ता बनी है। चलिए सारे लोग मिल के खाएंगे अभी। सब लोग मिलके खा रहे हैं बैठ के। अगर ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आया जरूर लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि मेरे चैनल पे ऐसे ही अच्छा अच्छा रेसिपी आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिलहाल शाम का नाश्ता तो हो चुकी है, एकदम नमकीन सा बना था निमकी, तो सारे लोग खाए तो मस्त बनी थी, एकदम कुरकुरा खास्ता। तो चलिए आज का ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, और अपना नाम आपका हमेशा ख्याल रखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।